どうぞ。<music> हरे कृष्णा। तो अभी हमने देखा कि कैसे गोपियों ने भगवान का रक्षा भगवान के अलग अलग नामों से किया बाहर से तो लगता है गोपियाँ गाँव की हैं लेकिन कितना साइंटिफिक विज्ञान रखती है वो कितना ज्ञान है उनके पास उनको पता है कि राम बाण क्या है कैसे किसका रक्षा करना है भगवान का नाम से अब यहाँ पे नंद बाबा और अन्ना गौ पहुंचे तो पूतना का शरीर देखे पड़ा हुआ है तो क्या किए जैसे सांप को मर जाता है जब सांप या मार दिया जाता है तो उसको ऐसे नहीं छोड़ते उसको जला देते हैं काट के नहीं तो फिर जीवित हो जाएगी राक्षस ही है फिर जीवित हो जाएगी और ऐसे डेड बॉडी पड़ा है इतना बड़ा वैसे भी किस काम का तो सोचिए भगवान का कृपा देखिए पूतना के ऊपर भगवान बोलते हैं तू पैदा कहाँ पे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है जीवन के अंत में तू ब्रज में आई है पूतना मुझे अपना दूध पिलाई सेवा किया तूने भक्ति माँ की ममता से दूध पिलाई भले तुम राक्षसी है जहर पिलाने आई थी तो तेरे को मैं अपनी नित्य माँ बनाऊंगा और तेरा जो अंतिष्टि क्रिया है भगवान कहते हैं वो मैं ब्रजवासियों के हाथ कराऊंगा कितना सौभाग्य है पूतना का तो इन लोग काटना चालू किए अब काटे तो कुछ छोटा छोटा आरी तो लेके नहीं जा सकते इतना बड़ा शरीर जितना बड़ा उनके पास जो भी था कुल्हाड़ी बड़ा कुल्हाड़ी जो भी लेके गए काटना चालू किए अब वो जंगल था बगान था बहुत सारे पेड़ थे जहां पूतना गिरी थी तो कुछ लकड़ियां मान लीजिए सूखी लकड़ियां ऐसे पड़ी हुई थी और पूतना के गिरने से ऐसा झटका हुआ कि बहुत सारे पेड़ तो ऐसे ही उखड़ गए तो यह भी तैयार हो गया उसकी चिता पेड़ टूट गए तो मतलब उसकी चिता खुद तैयार हो गई बाकी था पुतना के शरीर को काटना तो इन लोगों ने पूतना के शरीर को काटना चालू किया सभी गोपों ने मिलकर और वर्णन आता है पूतना की जो टांगे थी इतनी विशाल हाँ जैसे नदी का किनारा है उसके जो नाक थे जैसे गुफाएं हैं उसकी जो आंखें थी जैसे कुएं हैं बड़े बड़े गहरे कुछ नहीं दिख रहा अंधेरा हा? ऐसे उसका उसके जो स्तन थे वो एक दो पहाड़ के जैसे दिख रहे थे हु? और उसका जो पेट था ऐसे जैसे बड़ा तालाब हो लेकिन सूख गया है तो ऐसे भगवान ने जब पूतना को मारा पूतना का मरा हुआ शरीर का वर्णन भी सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं फिर जब जलाना चालू किया पूतना के शरीर को तो शरीर जलता है तो बदबू आता है ना सड़ा हुआ शरीर है हमारा लेकिन क्योंकि भगवान लिपटे थे ना पूतना से पूरा का पूरा आलिंगन हो गया था भगवान का कृपा देखिए ब्रह्मा शिव भगवान के चरणों के लिए ललायत रहते हैं तपस्या करते हैं यहां पूतना को तो पूरा आलिंगन दे दिया भगवान ने एक बच्चा माँ का दूध पिएगा तो, तो पूरा सिमट जाएगा ना शरीर बच्चे का माँ से तो इसलिए पूतना अपने पापों से अपनी प्रवृत्ति जो भी उसकी राक्षसी प्रवृत्ति पूरी तरह शुद्ध हो गई उसका शरीर भी शुद्ध हो गया और इसीलिए जब शरीर जल रहा है तो कैसे अगुरु की खुशबू आ रही है और बहुत इतना विशाल शरीर जब जला तो इतना धुआं इतना धुआं ऐसे लग रहा था कि सुतल लोक में महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं कुछ आचार्य कहते हैं कि महाराज बलि को यज्ञ कर रहे हैं इतना धुआं उठ रहा है विशाल कम्स ने भी देखा होगा मथुरा से तो अगुरु की खुशबू क्यों आ रही थी क्योंकि भगवान ने शुद्ध कर दिया था पूरी तरह से पूतना को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना हमेशा बच्चों के खून के लिए प्यासी घूमती रहती थी भगवान ने उसकी प्रवृत्ति शुद्ध करके उसको क्या दिया उसको मां की गति दिया आप सोच सकते हैं है कोई भगवान की दया का हिसाब उद्धव जी ये श्लोक बताते हैं विदुर जी को कहते हैं अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघा सयापायदपि असाधवी लेभे गतिम धात्री उचितम तथोन कंबा दयालो ब्रजे माँ कहते हैं अहो देखो जब भगवान के जाने के बाद विदुर जी उद्धव से मिलते हैं तो भगवान की लीलाओं को स्मरण करते हुए पहला लीला स्मरण करते हैं। अहो बकीयम बकियम मतलब बकासुर की बहन बकी अहो बकीयम स्तन कालकुटम अपने स्तन में क्या लगा के आई थी कालकुट जहर लगा के आई थी भगवान को मारने के लिए जिघाम कितना ईर्ष्या था ऐसे नहीं कि चलो बच्चा है पिला देती हूँ ऐसा नहीं था भाव एक तो होता है माँ की ममता से पिलाया दूध एक होता है बेचारा बच्चा भूखा है चलो इसको पिला देते अरे कुत्ते का बच्चा भी हाँ, आपके घर के बाहर या बिल्ली का बच्चा आएगा मियाओ म्याओं करेगा अब बोलोगे बेचारे को थोड़ा दूध दे दो ये तो मारने आई थी जिघाम शया ईर्ष्या भरा हुआ था पुतना के हृदय में भगवान को मारने आई थी ये असाधवी साधवी मतलब अच्छा अच्छी स्त्री असाधवी डाकू थी डाकिनी लेभे गतिम धात्री उचितम तो उसको क्या दिया भगवान ने धात्री का गति दिया मां का गति दिया नित्य मां बना दिया उसको कम्बा दयालो शरणम रजे विदुर जी को कहते हैं उद्धव जी की कम्मा दयालु शरण और कोई है दयालु ऐसा सृष्टि में जिसकी शरण मैं लूं hmm. कोई नहीं है आप देख लीजिए पूरे पुराणों को कहीं खोल के भगवान जैसा दयालु कोई पूरी सृष्टि में मिल जाए आपको कोई मारने आ रहा है उसको आप माँ बना दीजिए ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करते हैं भगवान को जब गोप कुमारों को और बछड़ों को चुरा लेते हैं भगवान लीला वहां पे प्रस्तुत करते हैं तो जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं तो एक बड़ा सुंदर बात कहते हैं बोलते हैं प्रभु आपने वो जो पूतना आई थी राक्षसी उसको तो मां का गति दे दिया जो ये गोपियां हैं जो आपकी मां है जो ये मां समान गोपियां जिन्होंने अपने आप को पूरा दे दिया प्रेम से दे दिया अपने आप को इनको क्या देंगे प्रभु आप जब राक्षसी जो मारने आई है आप होता है ना एक लेवल होता है अलग अलग सबको देते हैं तो अब वो जो मारने आई है आपको उसको तो आपने मां बना दिया तो इनको क्या दोगे ये गोपियों को जो आपसे प्रेम करती हैं ब्रह्मा जी खुद ही आंसर देते हैं इस प्रश्न का बोलते हैं भगवान जहां से मैं देख रहा हूं आपके पास कुछ भी नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं है देने को नहीं दे पाएंगे आप इनके प्रेम के बदले में कुछ भी और भगवान कहते भी हैं जब रास के लिए गोपियों को बुलाते हैं देखिए दो अलग अलग प्रकार की गोपियाँ हैं एक मातृवत गोपियाँ भगवान की बाल लीलाओं में जो गोपियों का वर्णन आया वो मातृवत जो माता गोपियाँ हैं और भगवान की रास लीला में जो गोपियाँ हैं वो भगवान की सखियाँ हैं तो उनको कहते हैं भगवान कि तुम इतना प्रेम करती हो मुझसे मैं तो नहीं लौटा पाऊंगा तो तुम अपने प्रेम से ही संतुष्ट रहो नहीं दे पाएंगे आप भगवान को एक पत्र पुष्पम फलम तो ये बोलते हैं ना भगवान उसका नहीं उतार पाते शिल सनातन गोस्वामी लिखते हरिभक्ति विलास में एक श्लोक आता है कि अगर कोई मृत्यु के वक्त कोई व्यक्ति का मृत्यु होने वाला है और वो तीन बार बोल दे कृष्णा 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 तो जो पहला नाम कृष्ण है उसने तो उस व्यक्ति का उद्धार करके वैकुंठ भेज दिया एक ही नाम काफी है तो एक नाम कृष्ण लिया वो तो चला गया वैकुंठ अब ये दो नाम जो और है क्योंकि तीन बार नाम लिया ना सोचो तो दो नाम है वो सोच रहे हम क्या करें हमारे लिए तो कुछ सेवा ही नहीं है ये तो उद्धार तो हो गया अब और क्या करना है तो ये जो दो नाम है कृष्ण के ये दोनों सेवक बन जाते हैं उस जीवात्मा के ऋणी बन जाते हैं बोलते हम तो ऋणी हो गए ऐसे ही भगवान अपने शुद्ध भक्तों के ऋणी होते हैं हमेशा कभी भी ऋण को नहीं चुका पाएंगे जब पूतना जैसी राक्षसी को माँ बना दिए तो जो माँ प्रेम कर रही है उसका ऋण कैसे चुकाएंगे तो इतने दयालु इसलिए बोलते हैं कम दयालु शरणम रजे मा कि हे विदुर जी है कोई ऐसा दयालु जिसकी शरण में ला के लू नहीं है इस सृष्टि में तो कोई नहीं है भगवान कृष्ण जैसा दयालु और लोग कहते हैं कितना दुख लगता है भगवान के भक्तों को लोग कहते हैं भगवान दया नहीं करते भगवान कितनी दया कर रहे हैं उसका हिसाब किताब करने बैठेंगे तो हमारा सारा टाइम उसी में चला जाएगा पूरा जीवन बीत जाएगा भगवान की सिर्फ कृपा का गुणगान एक अंश मात्र करने में फिर कहते हैं कि भगवान ने उद्धार किया और अलग अलग जगह पे कैसे कैसे भगवान उद्धार करते हैं भगवान किसी को जो मोक्ष चाहता है भगवान उसको मोक्ष देते हैं जो भी जैसा भगवान बोलते हैं ये यथाम प्रपत देते तामस्त है वो भजाम्याम कि जो जैसा मेरे पास आता है मैं उसको वैसा देता हूँ आप देखेंगे ब्रज की लीलाओं में जो जो असुर भगवान को जो भी देने आएगा वो ले लेंगे अघासुर ऋषि का भाई आएगा पूतना का पूतना आई थी दूध पिलाने भगवान ने पिया अघासुर आएगा मुंह खोल के बैठ जाएगा बोले भगवान मेरे अंदर जाएंगे खा लूंगा भगवान चले जाते उसके अंदर वो बात अलग मृत्यु भगवान का हो नहीं सकता अघरसुर का मृत्यु हो जाता कैसी आया था बोला मैं भगवान को ऐसा खा जाऊंगा तो भगवान ने अपना हाथ दे दिया ले भाई बकासुर भी आया था खाने के लिए उसके अंदर भी चले गए थे तो जैसा भी जिसका इच्छा है वो मैं पूरा करूंगा अब यहां पे जो भी भगवान की भक्ति करता है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो भी भगवान की भक्ति करता है वो वापस नहीं आता इसलिए भगवान कहते हैं यद गतवान निवर्तन थे तद धाम परम कि जो मेरे धाम पे आ गया जो मेरा भक्त बन गया मेरा सेवा कर लिया उसको मैं वापस यहाँ जन्म नहीं देता हूँ उसको मैं वहां पे अपनी लीला में शामिल करने देता फिर कहते हैं कटधुमस्य सौरभ्यम अवग्राह व्रजो कश किम इदम कुत एवेती वद्रजमायु तो यह कहते हैं कि जो सब देखने लगे सब ब्रजवासी सोच रहे हैं कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है भरी तो पुतना है ये खुशबू कैसे आया इसके शरीर से सब हैरान हो रहे हैं आप सोच सकते हैं इतना बड़ा अगर आप सुगंधित कुछ जलाएंगे तो कैसे आएगा खुशबू आनंद बाबा विचार कर रहे हैं वसुदेव जी का और बहुत बहुत अपने मन में अपने हृदय में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वसुदेव जी ने हमको बताया कि जल्दी जल्दी जाइए अब नंद महाराज जब ये देखे पूतना का तो तुरंत भाग के ये तो हो गया तो तुरंत भाग के कहाँ पे आए सिंपल नंद बाबा हैं इतने साल बाद उनको बच्चा हुआ है होता है ना बच्चा तो वैसे भी कैसे भी पच्चीस साल के लड़के को भी बच्चा जन्मेगा तो प्रेम होगा बाप का लेकिन जब बहुत साल बाद हो तब तो और प्रेम होता है और वो भी कृष्ण जो तो मन को हर लेते हैं कृष्णा का नाम है ना मनोहर मन को हर लेते हैं तो नंद बाबा आए कृष्ण को उठाए अपनी गोद में हा? अब इमोशंस क्या है नंद बाबा के मिक्स हैं क्योंकि घबराए भी थे हा? सब रजवासी बोलते हैं अरे बाबा ये लड़का जो है यह लाला तो मृत्यु के मुंह से वापस आया सिर्फ सुन लिया जब कि इतनी विशाल राक्षसी कृष्ण को अपनी गोद में उठाई थी तो मृत्यु का मुंह तो हो ही क्या ना वहां से वापस आया जैसे होता है ना कभी कभी जू होते हैं चिड़ियाघर होते हैं पता नहीं उसको चिड़ियाघर क्यों बोलते हैं चिड़िया तो कब रहती है अन्य जानवर रहते हैं तो वहाँ शेर रहता है कभी नीचे खड्डा रहता है कि ऊपर शेर आ नहीं सकता वो खुला घूम रहा है लेकिन और उसमें अगर कोई गिर जाए हुआ था एक दो इंसिडेंट अभी दो लोग गिरे थे एक को शेर खा गया लेकिन दूसरा क्या सोचेगा मैं तो मौत के मुंह से वापस आया कैसा मृत्यु से वापस आया सिर्फ सोच के वो घबरा जाएगा तो नंद बाबा में ही कोई इमोशंस है कि बच के आया दूसरा अपना प्रेम है नंद बाबा नित्य पिता है भगवान के उनका प्रेम है तो आंख से अश्रु धारा और बच्चे को उठा लिया अपनी गोद में और चूम रहे हैं भगवान के सर को सूंघ रहे हैं बालों को सूंघ रहे हैं बड़ा प्रेम उमड़ रहा है नंद बाबा का हुँ? और बड़े ही आनंद में है क्योंकि इमोशंस जब जब आदमी घबरा जाता है और उसके बाद जो चाहिए उसको मिल जाता है तो आप देखेंगे कि एक भौतिक व्यक्ति भी आंख से आंसू आ जाते हैं कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ स्पोर्ट्स में मैच होते हैं या यू नो कुछ कंपटीशन हो रहा है और एकदम कंपटीशन टफ होते जा रहे है। तो क्या होता है प्रेशर बिल्ड हो रहा है इमोशंस बिल्ड हो रहे बिल्ड हो रहे बिल्ड, हो रहे, बिल्ड हो रहे। जो जीत जाता है वो रो देता है सबसे ज्यादा क्योंकि इमोशंस उसके बाहर निकल रहे और यहां पे तो दिव्य है नंद बाबा का प्रेम अब सुखदेव गोस्वामी फलश्रुति देते हैं भागवतम में अन्य कथाओं में भी काफी जगह पर फलश्रुति दिया क्या होता है ये फलश्रुति कि इस लीला को सुनने वाले पढ़ने वाले बोलने वाले उनका क्या होता है तो ये हम यहां पे चर्चा करेंगे ये ए तत्तना मोक्षम कृष्णार अदुतम शून्य श्रद्धया मार्त्यो गोविंदे लभते रतिम क्या कह रहे हैं यह ए तत्त मोक्षम ये जो पूतना मोक्ष की कथा है क्या होगा कृष्णया अर्भकम जो कृष्ण के अर्भक मतलब बच्चा जो बाल लीलाएं हैं एक्चुअली ये पहली लीला है भगवान की पहली लीला है गोकुल आने के बाद बड़ी लीला हा? अद्भुतम कैसी है वो भी अद्भुत लीला है श्रोण्याच श्रद्धयात मर्त्यो जो भी श्रद्धापूर्वक इसको सुनेगा श्रद्धा पूर्वक सुनने का मतलब क्या होता है काफी बार आप भागवतम में सुनेंगे कि श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए कथा को ये श्रद्धा क्या है ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो है ये सत्य है सबसे पहले तो ये कोई मन से बनाई हुई फेरी टेल्स नहीं है ये किसी व्यक्ति किसी मनुष्य के मन की उपज नहीं है यह भगवान ने किया है यह लीला यह सत्य है इस श्रद्धा से जब हम सुनेंगे तो क्या होगा गोविंद लभते रतिम भगवान गोविंद के चरणों में रति या भक्ति मिलेगी तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी ये फलश्रुति देते हैं तो आपने अभी सुना और मौका मिले तो जरूर श्रीमद् भागवतम पढ़िए दशम स्कंद में जहां पर यह लीला दी गई है अब हमारे अलग अलग आचार्यों ने बताया है अलग अलग टीका है तो श्री भक्तिविन ठाकुर अपने पुस्तक श्री चैतन्य शिक्षा अष्टकम में कहते हैं कि यह अलग अलग जो असुर आए ना यह अलग अलग हमारे प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं कलयुग में हैं हमारे अंदर भी आसुरिक प्रवृत्ति है तो ये पूतना क्या है पूतना है ये मिथ्या गुरु, जो गुरु होते हैं उनको पूतना कहते हैं दो तरह के मिथ्या गुरु होते हैं एक तो हमारा मन सबसे बड़ा जो असुर है वो हमारा मन है जिसको हम अपनी गोद में लेके चल रहे हैं तो ये भी पूतना का प्रतिनिधि है हमारा मन कैसे भटकाता है कृष्ण से कैसे दूर जाया जाए जो कृष्ण भक्ति कर रहा है उसको भी मार देता है कृष्ण को भक्तों से दूर किया ना पूतना ने अलग लेके गई दूध पिलाने तो वैसे ही हमारा मन जो है वो क्या करता हमें कृष्ण से दूर करता है हम जीवात्मा हैं ये ब्रजबासी सब भगवान के भक्त हैं तो जीवात्मा तो नित्य शाश्वत भक्त है भगवान का लेकिन भगवान से जैसे ही जुड़ने जाता है पूतना बीच में आ जाती है और दूर कर देती है अब भी तो भगवान प्रकट हुए पांच ही दिन तो हुआ था छठे दिन आ गई दूर करने आप जैसे ही संसार में घूम रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं जैसे भक्ति की ओर जाएंगे मन क्या बोलेगा अलग हो जाओ बोलेगा इधर मत जाओ हरे कृष्ण जब मत करो ये गीता भागवत मत पढ़ो ये भक्तों से दूर रहो प्रसाद खाके किसका उद्धार हुआ है ये सब झूठ बोलेगा मन पूतना झूठ बोली ना ढोंगी बन के आई थी ना पूरा सर से पहुँ तक झूठ ही होता पूतना का बच्चे को प्रेम करने आई हूं दूध पिलाने है सब झूठ तो हमारा मन जब भी हमें बोले भक्तों से या भक्ति से दूर हो जाओ वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है ये बात समझिए आप और दूसरा जो ढोंगी गुरु हैं जितने भी समाज में गुरु हैं जो प्रामाणिक नहीं हैं जिनकी परंपरा भगवान कृष्ण से नहीं आप किसी भी गुरु को प्रामाणिक कैसे मानेंगे अगर वो गुरु का गुरु है पहले तो बहुत लोग बोलते हैं हम स्वयं गुरु हैं हमारा कोई गुरु नहीं तो आप पूछिए आपका गुरु कौन उसका गुरु कौन उसका गुरु कौन वो भगवान कृष्ण तक परंपरा बता पाता है क्या तब तो प्रामाणिक है बिना टीचर बिना स्टूडेंट बने कोई टीचर बन सकता है क्या गुरु बन सकता है कोई भी प्रामाणिक भगवान चाहते हैं कि हर कोई गुरु बने हमारा आगे गुरु है या तारे यही देश जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश तो भगवान चाहते हैं सब गुरु बने लेकिन पहले शिष्य तो बने तो शिष्य बनने के लिए प्रामाणिक शिष्य बनने के लिए प्रामाणिक गुरु चाहिए अभी समाज में क्या है ज्यादा से ज्यादा जितने भी गुरु हैं ढोंगी गुरु चल रहे हैं जैसे पूतना मिथ्या गुरु कहते हैं भटकाने वाले हैं गीता भागवत का प्रचार ठीक से नहीं हो रहा है समाज में क्योंकि ऐसे गुरु उपस्थित हैं आप देखेंगे कि अगर आप बोलेंगे कि भगवान का भक्ति करो नहीं नहीं ये मंत्र ये जब करो वो जब करो भगवान का भक्ति करने का हमको पैसा दे दो हम ही भगवान हैं कुछ लोग तो खुद भगवान बन जाते हैं कुछ लोग बोलते हैं भगवान तो है ही नहीं वो तो नाम है बस ऐसे ही हम लोग को बताया गया भगवान है भगवान होते ही नहीं भगवान के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया और अपने आप को गुरु कहता है और कुछ लोग कहेंगे भगवान को छोड़ो हमको आ जाओ हमारे पास आ जाओ तो ये सब मिथ्या गुरु हैं जितने भी ढोंगी गुरु समाज में आपको कभी भगवान से नहीं जोड़ेंगे भगवान क्या कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणवज सब कुछ छोड़ो मेरे पास आओ और भगवान का भक्त क्या कहता है सब कुछ छोड़ो भगवान के पास जाओ लेकिन जो मिथ्याचारी गुरु होगा जिसका आचरण भी गलत होगा जिसका बुद्धि पूरा भगवान में नहीं संसार में लगा होगा जैसे बगुला होता है ना बगुला हंस जैसे दिखता है वो जाके एक पैर में ना तालाब में या नदी किनारे एक पैर पे खड़ा हो जाएगा क्यों ध्यान लगाएगा ऐसा कोई बड़ा ऋषि मुनि बैठा है लेकिन मन में क्या है एक पैर क्यों किया क्यों कोई मछली आएगी घूमने के लिए वो सोचेगी तो पेड़ है कोई तो घूम के चल ही जाएगी कुछ खाने को ढूंढेगी और ये अपनी चोंच से पकड़ लेगा तो ध्यान इसका ढोंग देखिए दिखा रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ लेकिन मन में इसकी वासनाएं हैं भौतिक संसार के प्रति इच्छा है इंद्र तृप्ति की तो हमको इन दोनों प्रकार के एक मिथ्या गुरु है जो सो कॉल्ड गुरु समाज में घूम रहे हैं दूसरा मन दोनों से बचना चाहिए नहीं तो ये पुतना कृष्ण को दूर करने में सफल हो जाएगी तो हम भगवान की शरण लेंगे भगवान का नाम पुकारेंगे तो भगवान स्वयं इस चीज को खत्म करेंगे जैसे पूतना को खत्म कर दिया ऐसे ही जो मिथ्या गुरु हैं, जो हमारा मन है जो ढोंगी गुरु है इनको भगवान खत्म कर देंगे और फिर हम जो जीवात्मा है वो भगवान की शुद्ध भक्ति में आगे प्रगतिशील होंगे तो इसीलिए हमको इनसे बचना चाहिए कैसे बचेंगे भगवान के नाम का शरण लेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भगवान के नाम का शरण भगवान की कथाओं का श्रवण भगवान की कथाओं का श्रवण करना कीर्तन करना दूसरों को बताना आप सुने आपको अच्छा लगा आप जाके दूसरों को बताइए ये कीर्तन हो गया भगवान के नाम के बारे में प्रचार कीजिए गीता भागवत पढ़िए इन ग्रंथों को पढ़िए वेद व्यास जी ने इनको इतना मेहनत से लिखा प्रभुपाद जी रात भर जाग जाग के दस साल के लिए इन ग्रंथों को लिखा है प्रभुपाद ने इनका तात्पर्य लिखा और अपने मन से नहीं आचार्यों की टीकाओं को लेकर लिखा तो ये हम पढ़ेंगे तो हमारा मन को हम दबा पाएंगे और ये मिथ्या गुरु को दूर रख पाएंगे तब हमारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा हरे कृष्ण ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डी ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें एट सेवन सिक्स सेवन एट फोर फाइव एट फोर फाइव